गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, द ग्रेट एंड द गुड। इसमें हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, हम इसमें पढ़े थे कि महात्मा बुद्ध, उनका जन्म नेपाल के बॉर्डर लुम्बिनी नामक जगह पर 568 ईसा पूर्व पहले हुआ था। ठीक है, उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उनके पिताजी का नाम शुद्धोदन, जो कपिलवस्तु के शासक थे। ठीक है, और बचपन में जब वो पैदा हुए तब उनका नाम था सिद्धार्थ। और प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ बहुत ही अच्छे से सुख सुविधाओं के साथ पले बढ़े थे, लेकिन वे अन्य बच्चों की तुलना में बहुत ही अलग थे। ठीक है, उनको न खेलना पसंद था, न मनोरंजन करना पसंद था, वे बस अकेले बैठना पसंद करते थे। चुपचाप एक सुनसान जगह पर अकेले बैठकर कुछ कुछ सोचते रहते थे। ठीक है, और यदि वो कोई बूढ़ा व्यक्ति को देख लेते थे तो उनके मन में यह प्रश्न उठता था कि व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, और यदि वे कोई मरे हुए व्यक्ति को देखते थे तो सोचते थे कि लोग क्यों मरते हैं। इसी तरह उनके मन में अनेकों सवाल हमेशा ही घूमते रहते थे, और उनके पिताजी शुद्धोदन बहुत चिंतित रहते थे उनके पुत्र को लेके। फिर उन्होंने सोचा कि इसका एक परिवार होगा तो शायद ये अपने जीवन में खुश रहेगा, इसीलिए उन्होंने क्या कि यशोधरा नामक एक कन्या से उनकी विवाह कराई। जल्द ही उनका एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम था राहुल। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी सिद्धार्थ नहीं बदले, वो जैसे पहले थे वैसे ही रहे। और फिर वो हमेशा सोचते रहते थे कि लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, बूढ़े क्यों होते हैं, मरते क्यों हैं। और एक दिन क्या हुआ, रात में वो अपने पुत्र, अपनी वाइफ और सब कुछ छोड़ के वो इस सच की तलाश में, इस सच्चाई की खोज में अपने घर से निकल पड़े। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। सो वन नाइट ही लेफ्ट हिज वाइफ, हिज लिटिल सन एंड ऑल एल्स बिहाइंड एंड वेंट अवे इन सर्च ऑफ ट्रूथ। इस प्रकार या इसलिए एक रात ही लेफ्ट हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी, हिज लिटिल सन, अपना छोटा पुत्र, एंड ऑल एल्स, और इसके अलावा सभी कुछ बिहाइंड, अपने पीछे छोड़कर, एंड वेंट अवे इन सर्च ऑफ ट्रूथ, और सच्चाई की तलाश करने के लिए ये चले गए। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़े थे, चलिए अब हम आगे देखते हैं। He began to live in forest. He met saints and wise men and asked them the questions that were troubling him, but their answers did not fully satisfy him. So he continued to think and meditate by himself. He began, वह शुरू किए, to live रहना, in forest जंगलों में, वह जंगलों में रहना शुरू किए, घर से चले गए और कहाँ रहने लगे, जंगलों में। ही मेट, वह मिले सेंट्स, संतों से, एंड वाइज मैन, और बुद्धिमान लोगों से, एंड आस्क्ड, और पूछे देम, उनसे, द क्वेश्चंस, प्रश्न, दैट वेयर ट्रबलिंग हिम, ट्रबलिंग परेशान कर रहे थे हिम, उन्हें। वे संतों से और बुद्धिमान व्यक्तियों से मिले और उनसे सारे प्रश्न पूछे, जो प्रश्न उनको परेशान कर रहे थे, उनके दिमाग में चल रहे थे। बट देयर आंसर्स डिड नॉट फुली, किंतु उनका उत्तर डिड नॉट फुली, पूर्ण नहीं था, किंतु उनका उत्तर पूरा नहीं था। सेटिस्फाई हिम, वह संतुष्ट नहीं हुए, सेटिस्फाई संतुष्ट होना, उनके आंसर से सिद्धार्थ संतुष्ट
नहीं हुए. सो इसलिए ही कंटिन्यूड वह जारी रखे टू थिंक सोचना एंड मेडिटेट और चिंतन करना बाय हिमसेल्फ अपने स्वयं के द्वारा. उनके उत्तरों से ये खुश नहीं हुए, इनको संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए वे अपने आप में ही चिंतन मनन करना जारी रखा. ठीक है. वन डे एज ही सैट मेडिटेटिंग अंडर अ बनियान ट्री एट गया ही सॉ द लाइट ऑफ ट्रूथ. ही फाउंड द आंसर्स टू ऑल हिज क्वेश्चंस. ही गॉट नॉलेज और बोध एंड बिकेम द बुद्ध. वन डे एक दिन एज ही सट सट मीन्स बैठना बैठे थे मेडिटेटिंग ध्यान लगाए हुए अंडर अंडर नीचे अ बनियान ट्री एक बरगद के पेड़ एट गया गया में एक दिन गया जगह का नाम ठीक है गया में एक बरगद पेड़ के नीचे वे ध्यान लगाकर बैठे हुए थे. ही सा उन्होंने देखा द लाइट ऑफ ट्रूथ. ट्रूथ में सच्चाई या सत्य. उन्होंने सत्य के प्रकाश को देखा. ही फाउंड द आंसर्स टू ऑल हिज क्वेश्चंस. ही फाउंड उन्होंने पाया आंसर्स उत्तर टू ऑल हिज क्वेश्चंस अपने सारे प्रश्नों के उत्तर उनको मिल गया. ही गॉट नॉलेज नॉलेज मीन्स ज्ञान और बोध बोध समझ या ज्ञान ठीक है उनको ज्ञान या बोध प्राप्त हुआ एंड बिकेम द बुद्ध और वे बुद्ध बन गए. ठीक है. एक दिन क्या हुआ गया में एक बनियान ट्री के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हुए थे तब उन्होंने देखा क्या देखा सच्चाई की प्रकाश और तब उनको उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए. उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध प्राप्त हुआ और फिर वो बुद्ध बन गए. ठीक है. उसी समय से वो बुद्ध बने थे. आफ्टर दिस ही वेंट अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्प्रेडिंग हिज मैसेज ऑफ ट्रूथ. ही एम्फेसिस्ड द फॉलोइंग 8 points. 1. राइट एम. 2. राइट थिंकिंग एंड डिसीजन. 3. राइट एक्शन. 4. राइट कंडक्ट. 5. राइट स्पीच. 6. ट्रूथफुलनेस. 7. ऑनेस्ट लिविंग अर्न बाई हार्डवर्क. 8. प्योरिटी ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स. आफ्टर दिस इसके बाद ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही वेंट वे गए अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेडिंग फैलाना हिज मैसेज अपना संदेश ऑफ ट्रूथ सच्चाई का संदेश. ही एम्फेसिस्ड जोर दिए द फॉलोइंग निम्न 8 points निम्न 8 बिंदुओं पर उन्होंने जोर दिया. आफ्टर दिस ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही वेंट अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्प्रेडिंग हिज मैसेज ऑफ ट्रूथ. ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह अपने सत्य के संदेश को फैलाने के लिए जगह जगह पर गए. ही एम्फेसिस्ड द फॉलोइंग 8 points वे निम्न 8 बिंदुओं पर जोर दिए. कौन कौन से राइट एम सही उद्देश्य सही लक्ष्य. राइट थिंकिंग एंड डिसीजन सही सोच और निर्णय. डिसीजन मीन्स निर्णय. 3. राइट एक्शन सही कार्य. राइट कंडक्ट सही आचरण. राइट स्पीच सही भाषण या सही उपदेश. ट्रूथफुलनेस सत्यवादिता. ऑनेस्ट ईमानदारी. लिविंग जीना. अर्न मीन्स कमाए हुए बाय हार्ड वर्क मेहनत कड़ी मेहनत से कमाए हुए या अर्जित किए गए ईमानदारी की जीवन. प्योरिटी ऑफ थॉट एंड फीलिंग. प्योरिटी मीन्स शुद्धता या पवित्रता. ऑफ थॉट थॉट मीन्स सोच विचार. एंड फीलिंग और भावना विचार और भावना की शुद्धता या पवित्रता. इन 8 बिंदुओं पर उन्होंने जोर दिया और इसी संदेश को वो हर जगह जाकर
अपना संदेश देते थे, अपना सीख देते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म। द न्यू रिलीजन अपील टू द पीपल बिकॉज इट एम्फेसिस्ड दैट ऑल मैन आर इक्वल रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और कलर। इट बिकेम वेरी पॉपुलर बिकॉज इट्स टीचिंग वेयर इट वेयर इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। दीज ये आर हैं द गाइडिंग, गाइडिंग मीन्स मार्गदर्शक, प्रिंसिपल्स सिद्धांत ऑफ बुद्धिज्म। ये बौद्ध धर्म के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ये जो आठ बिंदु हैं ये बौद्ध धर्म के मार्गदर्शक दिशा दिखाने वाले सिद्धांत हैं। द न्यू रिलीजन नया धर्म अपील्ड अपील किए टू द पीपल लोगों से, नए धर्म के लोगों से अपील की। बिकॉज क्योंकि इट एम्फेसिस्ड ये जोर देता था दैट कि ऑल मैन सभी पुरुष आर इक्वल, इक्वल मीन समान या बराबर आर हैं, रिगार्डलेस बिना ऑफ कास्ट जाति और कलर, बिना रंग और बिना जाति के सभी पुरुष समान हैं, एक बराबर हैं, या इस बात पर जोर देता था। ठीक है, इट बिकेम वेरी पॉपुलर, इट बिकेम इट या बिकेम होना वेरी पॉपुलर बहुत ही लोकप्रिय या बहुत लोकप्रिय हो गए। बिकॉज क्योंकि इट्स टीचिंग वेयर इट्स टीचिंग इसकी शिक्षाएं या इसकी सीख वेयर थे इन द लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स भाषा ऑफ द कॉमन पीपल। इसकी जो शिक्षाएं थी, इसकी जो सीख थी वो सामान्य लोगों की भाषा में थी, इसीलिए बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत फेमस हो गए, क्योंकि आम लोग भी इसे समझ जाते थे बहुत ही आसानी से। महात्मा बुद्ध सेंट 60 ऑफ हिज डिसिपल्स टू फॉरेन कंट्रीज टू स्प्रेड हिज रिलीजन देयर। हिज मेन टीचिंग वेयर बी काइंड टू ऑल, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, लिव एंड वर्क विथ अदर्स इन द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, डू नॉट एमास वेल्थ। महात्मा बुद्ध सेंट, सेंट मीन्स भेजे, भेजना या भेजे, 60 ऑफ हिज डिसिपल्स अपने शिष्यों को टू फॉरेन कंट्रीज विदेशों में, टू स्प्रेड फैलाने के लिए हिज रिलीजन अपना धर्म, देयर वहाँ। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार प्रचार प्रसार के लिए अपने 60 शिष्यों को विदेश भेजा था। ठीक है, महात्मा बुद्ध अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने 60 शिष्यों को विदेश भेजा था। हिज मेन टीचिंग वेयर, हिज उनका मेन मुख्य टीचिंग सीख वेयर थे, उनका जो मुख्य सीख है, मुख्य शिक्षा है वो क्या था, बी काइंड टू ऑल, काइंड मीन्स दयालु, सभी के प्रति दयालु रहें, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज हमेशा स्पीक बोलिए द ट्रूथ सच्य या सत्य, हमेशा सत्य बोलिए, लिव एंड वर्क विथ अदर्स इन द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, लिव जीना एंड वर्क कार्य करना विथ अदर्स दूसरों के साथ, इन द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड भाईचारे की भावना से दूसरों के साथ जिए और कार्य करें, डू नॉट एमास वेल्थ, डू नॉट एमास संचित करना, इकट्ठा करना वेल्थ धन, धन संचित ना करें। ठीक है, दूसरों के साथ निस्वार्थ होकर उनके साथ रहें, उनके साथ जिए और उनके साथ काम करें, ना कि अपने फायदे के लिए उनके साथ काम करें। ठीक है, भाईचारे की भावना अपने साथ रखें, यह उनकी सीख थी और हमेशा
सच बोलें, हमेशा सत्य बोलें, ठीक है, और सभी के प्रति दयालु रहें। ठीक है, उनका यह सीख था, मेन उद्देश्य था, और इसी सीख को उन्होंने प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरे देशों में भी, अपने देशों में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी भेजे अपने शिष्यों को, और उन्होंने अपना धर्म का प्रचार प्रसार सभी जगह पर किया। द टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध अपील टू द पीपल, हिज मैसेज रिच्ड कॉटेज एज वेल एज पैलेसेस, अ नंबर ऑफ किंग्स टू बिकेम हिज फॉलोअर्स, अशोक वॉज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम। द टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध की सीख या शिक्षाएँ, अपील की टू द पीपल लोगों को, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएँ लोगों को अपील की, हिज मैसेज उनका संदेश रिच्ड पहुँचा कॉटेज कुटिया, एज वेल एज साथ साथ पैलेसेस महलों में, उनका संदेश कुटिया के साथ साथ महलों तक भी पहुँचा। अ नंबर ऑफ किंग कई राजाओं टू भी बिकेम हिज फॉलोअर्स अनुयायी, फॉलोअर्स मीन्स अनुयायी, कई राजाओं भी उनके अनुयायी बने। अशोक वॉज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम, अशोक महान सम्राट अशोक वॉज थे द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम, उनमें से एक महान सम्राट अशोक भी थे। ठीक है, कुटिया के साथ साथ उनका मैसेज महलों तक भी पहुंचा, और कई राजा उनके अनुयायी बने, उनमें से एक किसका नाम यहाँ दिया गया है, महान सम्राट अशोक, वो भी महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध डाइड एट द एज ऑफ 88 एट कुशीनगर, बट हिज रिलीजन लिव्स, हिज टीचिंग आर रिलीवेंट इवन टूडे। महात्मा बुद्ध डाइड, मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 88 एट कुशीनगर, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 88 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, बट किंतु हिज रिलीजन उनका धर्म लिव्स जीवित है, किंतु उनका धर्म आज भी जीवित है। हिज टीचिंग उनकी शिक्षा आर रिलेवेंट इवन टुडे, रिलेवेंट प्रासंगिक या संगत, उनका शिक्षा आज भी हमारे संग में है। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, महात्मा बुद्ध के बारे में हमने बहुत अच्छा सीख इसमें से लिया। आप होमवर्क में क्या करेंगे, यहाँ देखिए, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, यहाँ तीन आप कर चुके हैं, ये तीन बचा हुआ है, ये तीन कंप्लीट करेंगे। द रियल नेम ऑफ महात्मा बुद्ध वाज, उनका रियल नेम क्या था, ठीक है, हम पढ़े हैं उनका रियल नेम क्या था। He was married to a beautiful princess named, उन्होंने एक सुंदर प्रिंसेस राजकुमारी के साथ विवाह किया, उनका नाम क्या था। He had a son whose name was, उनका एक पुत्र था, whose name जिसका नाम was था, उसका नाम क्या था लिखेंगे। ठीक है, ये तीन blanks और साथ में one page handwriting। ठीक है, okay बच्चे, अच्छे से पढ़िए, क्लास नहीं हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।